यह सीरीज 6 की सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। कम कीमत में भी ढेर सारे फीचर इसमें उपलब्ध हैं। लुक वाइज भी काफी सुंदर है, नम ओरिजिनल जैसा लगता है। जब इसको आप पहने रहिएगा तो कोई कह ही नहीं सकता कि डुप्लीकेट है। स्क्रीन रेजुलेशन भी काफी अच्छे हैं, ढेर सारे फंक्शन है और ढेर सारे डायल फेसेस भी है। इसका मेनू भी एकदम ओरिजिनल जैसा ही लगता है, साथ में बहुत सारे गेम भी है। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद इसका रिव्यू। वेलकम इन माय गैजेट चैनल गैजेट 9, मैं हूं संजीव। ये है इसका बॉक्स। इसका बॉक्स ब्लैक कलर में आता है, इसको खोलते हैं, पीछे से ही खुलेगा। देखिए कितना अच्छा एकदम ओरिजिनल जैसा पैकिंग है इसकी। अब इसके नीचे दो बॉक्स और मिल जाती है। देखिए नीचे वाला में घड़ी का स्टेप दिया हुआ है, इसको निकालते हैं। काफ़ी मजबूत लग रहा है और सॉफ्ट भी काफ़ी है। अब इस बॉक्स को खोलते हैं। ये वारंटी कार्ड है जो कोई काम की नहीं आएगी, और ये कुछ यूजर मैनुअल टाइप का है, और ये इसका वायरलेस चार्जर है। तार की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, इसको बाद में देखते हैं। और ये है अपना घड़ी, काफ़ी बढ़िया इसका पैकेजिंग किया हुआ है। देखते हैं इसको चारों तरफ से, जैसा पहला घड़ी था बस वैसा ही इसमें भी कुछ नहीं है चारों तरफ। ये आपका क्राउन बटन दिया हुआ है, साथ में नीचे में ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे माइक बटन दिया हुआ है। क्योंकि कॉलिंग वॉच है, इसमें आप बात भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो माइक तो जुड़ी ही है। और साथ में इस साइड में यहाँ पे दो स्पीकर दिया हुआ है। अब इसके अंदर दो स्पीकर है कि एक स्पीकर है हम नहीं जानते, पर यहाँ दो होल है आवाज़ निकलने के लिए। इधर आप स्ट्रैप लगा सकते हैं, वैसा ही ऊपर में भी है। अब इसके पीछे साइड देखते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये स्टील फिनिश में आती है, इसको देखने से ही लगेगा कि स्टील का बना हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको इसका वायरलेस चार्जर स्पॉट है, सेंसर स्पॉट है, और कुछ खास नहीं है। तो घड़ी को ऑन करते हैं, बस इसको एक सेकंड दाबे रहिए और ये घड़ी ऑन हो जाएगी। ये भी एप्पल लोगो वॉच है, इसमें एप्पल का लोगो आ जाता है और ये ऑन हो गया। देखिए इसमें भी ढेर सारे डायल फेस हैं, कॉर्नर बटन को भी घुमा कर बदल सकते हैं। देखिए आप नीचे से ऊपर की ओर करते हैं तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट मेनू आ जाती है, और ऊपर से नीचे करने से नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। अभी मोबाइल से कनेक्ट नहीं है इसलिए कोई नोटिफिकेशन यहाँ नहीं आया, लिख रहा है ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के लिए। और यहाँ से आप लेफ्ट से राइट करिएगा तो आपको ये डायल फेस बदलते जाएगी, जो आप क्राउन से भी बदलते हैं, और यहाँ राइट से लेफ्ट करने से भी डायल फेस बदल लेगी। इसको मीनू में जाने के लिए क्राउन बटन को प्रेस करिए और देखिए मीनू में आ जाएगा। इसमें मीनू 5 तरह से आती है। देखिए यहाँ पर आपको 5ों का नाम दिख रहा है, जैसे ये 9 ऐप है, यहाँ 9 ऐप का एक लोगो आ जाता है। ये दूसरा स्मार्ट मीनू है जैसे एप्पल में होता है। ये 6 ग्रिड आ जाती है जिसमें 6 मीनू एक साथ आते ही हैं। ये मीनू आ जाता है वेलक्रो। आई लास्ट है फिट, जो शुरू में ही आया था वो है फिट। हमें तो सबसे अच्छा आपको 6 ग्रिड लगती है, उसमें सब बढ़िया से दिख जाता है। देखिए इसमें मीनू एकदम साफ साफ दिख जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए हार्ट रेट है। आप यहाँ इसको क्लिक करिए, हार्ट पे क्लिक स्टार्ट क्लिक करिए, देखिए ये सेंस करना शुरू कर दिया है। आप इसको आप हाथ में पहने हुए रहिएगा तो हार्ट रेट भी आपका बता देगा कितना चल रहा है। अभी मेजर नहीं कर रहा है क्योंकि हमने हाथ पे नहीं लगाया हुआ है। इसको आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये मोबाइल ऐप का QR स्कैन दिया हुआ है, जिसको आप स्कैन करके आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको स्कैन करके उसका ऐप डाउनलोड करता हूँ स्कैन करते के साथ, और ये आ गया है। ये ऐप का नाम है QD फिट। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हो गया है और इसको ओपन करते हैं। इस सब परमिशन अलाउ करने के बाद ये ओपन हो गया है। देखिए ऊपर में लिख रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्ट करते के साथ ही आपका ब्लूटूथ ऑन कर देगा, और जितने भी आसपास में ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं सबका नाम यहाँ दिखाने लगेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ST66 यानी घड़ी का नाम, इस पर क्लिक करते हैं और ये कनेक्ट हो गया, ऊपर लिख भी रहा है कनेक्टेड। अब इसके बारे में जानते हैं। आप यहां से अपना डेली रूटीन जो आपका घड़ी के द्वारा नापा गया है, जैसे कितना आप चले हैं, कितना आपका हार्ट रेट है, ये सब यहां आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां GPS भी ट्रैक कर सकते हैं किधर किधर आप गए हैं।
अब सेकंड मेनू में चलते हैं जो बीच वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ है, जैसे पहला है डायल फेस, इसमें तो घड़ी में 20 के आसपास डायल फेस है और 4-5 यहाँ पर भी डायल फेस है। आप यहाँ डायल फेस वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ कस्टमाइज करने के लिए भी, देखिए मैं एक कस्टमाइज करता हूँ, देखिए अपना फोटो डाल के यहाँ पर एक डायल फेस तैयार किया हूँ, इसको घड़ी में भेजते हैं और ये डन हो गया। अब देखिए यही डायल फेस देखिए घड़ी में आ गया, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना क्वालिटी है, क्योंकि वॉच का स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसमें फोटो भी वो काफ़ी अच्छी दिखती है, मतलब अच्छा है ये वॉच। अब इस वॉच में इसका स्ट्रैप लगाते हैं, देखिए आप ऐसे करके उसको लगा सकते हैं, उसी तरह से नीचे वाला भी लगा देते हैं, संभाल के लगाना होता है थोड़ा। और ये देखिए एकदम कम्प्लीट, एकदम मेरा वॉच पूरा कम्प्लीट है पहनने के लिए। तो इसको हाथ में पहनते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। मोबाइल से कनेक्ट तो हो चुका था इसलिए मोबाइल का नोटिफिकेशन इसमें आ रहा है। देखिए हाथ को हिलाने से ये ऑन नहीं होता है क्योंकि शायद इसका मोशन चालू नहीं है, तो पहले इसका मोशन चालू कर लेते हैं। ये देखिए ऑन हो गया, अब देखिए काम कर रहा है। जैसे ही आप हाथ को आप हिलाते हैं, ऊपर करते हैं, तो घड़ी एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो इनएक्टिव रहेगा। अब इसको देखिए चार्ज कैसे होती है, इसका वायरलेस चार्जर है तो कुछ नहीं करना है, पहले तो वायरलेस चार्जर में आप करंट दे दीजिए और उस पर घड़ी रख दीजिए, देखिए चार्ज होने लगी, देखिए कितना बढ़िया चार्ज हो रही है। इसमें मैग्नेट भी है, ये आपका एकदम चिपका हुआ रहेगा आराम से। अब देखिए मैं हाथ धोने गया हूँ क्योंकि वाटर टेस्ट करना है, देखिए घड़ी पर देखिए पूरा पानी डाल रहे हैं पर देखिए कुछ नहीं हो रहा है, यानी ये वाटर प्रूफ भी है। चलिए और डीप वाटर टेस्ट करते हैं। देखिए मैंने एक गिलास में पानी ले लिया है और इसमें घड़ी को डालते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। ये मैंने डाल दिया, ये आ गया, कहीं खराब ना हो जाए, नहीं होगा, कंपनी बोलती है वाटर प्रूफ तो वाटर प्रूफ होगी। देखिए हाँ देखिए ऑन है एकदम पूरा। एक गलती की है, इतना छोटा गिलास में डालें हाथ से निकलेगा नहीं, देखिए ऐसे करके निकालना पड़ रहा है। मैं निकल गया, निकल गया, देखिए कुछ नहीं हुआ, एकदम पूरा काम कर रहा है घड़ी, वाटर प्रूफ, सही में वाटर प्रूफ है। अब सोच लीजिए जब पानी के अंदर डाल दिए, पानी से हाथ धो लिए, तो छोटी मोटी बारिश में तो इसको कुछ होना नहीं है, परफेक्ट है ये, देखिए पूरा सही से काम कर रहा है, बटन भी काम कर रहा है। तो आपने ये वॉच का रिव्यू तो देख लिया, रियली में काफ़ी अच्छा वॉच है, जितने कम कीमत में मिल रही है तो ओरिजिनल क्यों लेगा, बस यही तो काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं कि दोस्त लोग भी जाने इस घड़ी के बारे में, वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे गैजेट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गैजेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।